हे स्टूडेंट, वेलकम वन सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1G के जो लास्ट के दो क्वेश्चन बच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और 20, वो आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। और हमेशा की तरह आपको मैं बता दूं कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के, किसी भी चैप्टर के, उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। उसके अलावा जो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊंगा कुछ, जैसे कि एक्सरसाइज 1H का, और मैंने 5 चैप्टर से लेकर 10 चैप्टर का पहले वीडियो बना दिया, तो उन सभी का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आपको बार बार ढूंढ करके परेशान होने की, सर्च करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या हमारे पास, इफ 3/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7/44, फाइंड द नंबर। चलो पहले तो मतलब समझो कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, यानी कि एक नंबर है, उस नंबर का अगर हम लोग 3/5 निकालते हैं ना, और 2/7 निकालते हैं, दो चीज़ अगर हम निकालते हैं, तो जो 3/5 होगा ना, वो 2/7 से 44 ज़्यादा होगा। ये हमको यहाँ पर कह रहा है, यानी कि ये जो 3/5 है, अगर हम लोग 2/7 में अगर हम लोग 44 और प्लस कर दें, तो वो 3/5 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया बात ना, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 4 रहता और इधर हमारे पास 50 रहता, समझ में आ रहा है ना, सॉरी 6 रहता और इधर हमारे पास 50 रहता, तब हम क्या करते, 6 में 44 को प्लस कर देते, तो हमको पता चल जाता है कि 50 है। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं इसका स्टेटमेंट बनाऊंगा, थोड़ा सा स्टेटमेंट बोले तो इक्वेशन, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसे हमें कॉपी में सॉल्व करते हैं, ताकि आपका डाउट जो क्लियर हो जाए। देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, नंबर को मान लेना है x, यानी कि मान लेते हैं कि वो जो नंबर जिसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर, वो क्या है, x है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, आप इसको AQ लिखोगे शॉर्टकट में, AQ को मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये कहा जा रहा है कि जो x है ना नंबर, उसका जो 3/5 है, यानी कि 3/5 ऑफ x, x का 3/5 जो है वो इक्वल है x के ही 2/7 के प्लस करने के बाद, यानी कि x का 2/7, तो 2/7 ऑफ x प्लस में 44, यानी कि x का जो 3/5 है वो इक्वल है x के 2/7 में अगर हम 44 प्लस कर देते हैं तो। ये देखो, हमसे कहा गया था कि x का जो 3/5 है ना, वो उसके 2/7 से 44 ज़्यादा है, यानी कि 2/7 में अगर हम लोग 44 प्लस कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 3/5 के बराबर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो ये हमारे यहाँ से इक्वेशन बन गया, बस इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर रेडी है। मैथ की भाषा में जब कभी भी ऑफ आए, मैथ की लैंग्वेज में, तब हम क्या जानते हैं कि उस ऑफ के बदले में हमको क्या लिखना है, वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3/5 मल्टीप्लाई में x इक्वल टू 2/7 मल्टीप्लाई में x, और ये प्लस में जो 44 वो तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3/5x, ये वाला हमारा x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x बन जाएगा, और इक्वल के उस साइड में ये हो जाएगा 2x/7 प्लस में 44। समझ में आ रहा है बात ना, पहले आप चाहो तो इधर वाले को सॉल्व कर लो, इधर ट्रांसफर कर लो, जैसे आपको सॉल्व करने आता है वैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई अलग से आपको रूल यहाँ पर फॉलो करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया है पहले ही, कि जब इस तरीके से नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और ऊपर जो भी साइन है उससे ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3x/5 इक्वल के उस साइड में इसका मल्टीप्लाई कर लो, 7 4 जो हो जाएगा, अच्छा 2x को पहले लिख लेते हैं और प्लस का साइन लगा लेते हैं। ये हो जाएगा 7 4 28 का 8 कैरी हो गया 2, 7 4 28 और 2 30, यानी कि 308, और डिवाइड में जो 7 है वो उतर जाएगा। समझ में आ गया बात। ये मैंने क्या क्या बताया आपको, कुछ नहीं किया, सिंपली इसके नीचे एक 1 छुपा हुआ था ना, तो 7 और 1 का एलसीएम ले लिया 7, और फिर उसके बाद 7 से 7 को डिवाइड दिया तो 1 आ गया, 1 के ऊपर 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, उस तरीके से 7 को 1 से डिवाइड दिया हमने तो 1 वो आ गया हमारा 7, और 7 का 44 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 308 आ गया। यानी कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड ऐड करने का, मैंने वही यूज़ किया है, बस उसको हमने थोड़ा सा इसको ट्रिक बना दिया है कि डायरेक्ट आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये हमारा हो जाएगा, जैसे हमको क्या करना है, इस x का वैल्यू निकालना है, तो पहले तो हम नंबर्स को इधर इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। 7 इधर आ जाएगा तो 7 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो 7 3 21x हो जाएगा, और ये जो 5 है इधर चल जाएगा, तो 5 का ये देखो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं कि केवल 5 का 2 से होगा, यहाँ पर 7 का 3x दोनों से हुआ ना, उसी तरीके से 5 का 2x से भी होगा और 308 से भी होगा। तो हम इसको एक बार ऐसे लिख सकते हैं, 5 ब्रैकेट में 2x प्लस में 308, ताकि हमारा जो है आंसर गलत ना निकले यहाँ से, और इसको फिर अब दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 21x, 5 2 10x हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके से प्लस का साइन है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 40 का 0 कैरी हो गया 4, तो ये 4 का 4 उतर जाएगा और 5 3 15, यानी कि 1540 आ गया। अब हमको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, x को एक साइड कर लो, तो 21x ये माइनस में 10x हो जाएगा, क्योंकि इधर ये प्लस में था, इधर आकर के माइनस x हो जाएगा, और इक्वल के साइड में 1540 अभी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा हमारे यहाँ से, इसको सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 21 में से ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा हमारा, ये निकल जाएगा हमारे पास 11, तो 11x इक्वल टू 1540
40 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब हमको यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1540, और x जो इधर मल्टीप्लाई, सॉरी 11 जो मल्टीप्लाई में था, ये इधर आकर के इधर डिवाइड में हो जाएगी इस तरीके से। अब इसको कट कर लेते हैं, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। कट हो रहा है कि नहीं, 11 बन जाए 11, 4 बच जाएगा, इधर आ जाएगा 4, हाँ बिल्कुल कट हो रहा है, तो इसको कट कर लेते हैं डायरेक्ट। 11 बन जाए 11, ऊपर में 11 बन जाए 11 होगा, 15 में से 11 कट हो गया तो 4 बच गया, वो इस आगे वाले 4 के पास जाके इसे 44 बना देगा, तो 11 4 जाए ये हो जाएगा 44, और ये 0 का 0 उतर गया, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 140, डिवाइड में 1 है, उसे लिखने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 140, यानी कि जिस नंबर के बारे में हमसे पूछा जा रहा था वो 140 था। तो द रिक्वायर्ड नंबर आपको लास्ट में स्टेटमेंट भी लिख देना सिंपल सा, कि द रिक्वायर्ड नंबर इज 140। देखा आपने कितना सिंपल है, बस आपको ये एक इक्वेशन बनाने आना चाहिए, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा ये टफ है अभी के लिए, क्योंकि केवल एक ही क्वेश्चन था इस टाइप का, आगे चल करके आपको इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो फिर धीरे धीरे आपको इक्वेशन बनाने आ जाएगा। आइए जो लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, एट ए क्रिकेट टेस्ट मैच, एक क्रिकेट टेस्ट मैच में क्या होता है, 2/7 ऑफ स्पेक्टेटर्स वेयर इन ए कवर्ड है ना प्लेस, जबकि 15,000 वेयर इन ओपन। यानी क्वेश्चन क्या क्या, पहले वो समझो आप कि एक क्रिकेट का टेस्ट मैच हो रहा है जिसमें से 2/7 जो है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, स्पेक्टर, जो स्पेक्टर का मतलब होता है दर्शक, यानी कि जो मैच देखने जाते हैं ना उनको स्पेक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो जो स्पेक्टर्स हैं जो मैच देख रहे हैं, वो लोग क्या है, कवर्ड प्लेस में, यानी कि थोड़ा सा जो बढ़िया वाला बना हुआ रहता है ना, ऊपर में छत लगा रहता है, उस टाइप के प्लेस में है, और बचे हुए जो हैं वो 15,000 है, और वो क्या है, खुले में है, वेयर इन ओपन, ओपन यानी कि भाई खुले में साइड में ऐसे बैठे हुए हैं क्राउड में, ठीक है। तो पूछ रहा है हमसे कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टर्स, यानी बताइए कि टोटल कितने वहाँ वो थे, दर्शक थे, स्पेक्टर्स थे, ये हमको बताना है। तो ये देखो कैसे सॉल्व होगा हमारा, जैसे हमारा ये 15 और 16 मैंने सॉल्व करके आपको बताया था ना पेज वाला, एक छोटा सा मैंने आपको वहाँ पर मेथड बताया था, सेम उसी तरीके से 20 नंबर का भी सॉल्व होगा। देखो यहाँ पर टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 7 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि 7 में से 2 पार्ट जो है वो क्या है, कवर्ड है, और यहाँ पर हमको बताना कितना है, 15,000 ओपन में है, इसका मतलब कितने बच गए, तो 5 पार्ट बच गए, तो 5/7 जो है हमारे पास इतना दिया हुआ है, और टोटल नंबर हमको फाइंड करना, तो टोटल को एक्स मानेंगे, और जैसे मैंने आपको सेम यहाँ पर बताया था ना उसी तरीके से बनाना। अगर आपने वो वाला वीडियो देखा होगा तो खुद से इसको पहले बनाने की कोशिश करना, अगर नहीं बनेगा तब ये वीडियो आगे देखना, और अगर आप पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हो या फिर किस वीडियो, वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा, तो फिर आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो आ जाओ इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बताएंगे कि जो स्पेक्टेटर्स हैं कवर में वो कितने हैं, 2/7 है, ये हमें क्वेश्चन भी दे दिया गया है, तो स्पेक्टर जो ओपन में होंगे वो कितने होंगे, तो वो हमको उसका पहले फ्रैक्शन बताना है ना, नंबर तो हमें बता दिया गया है कि ओपन में जो है 15,000 है, तो हम क्या करेंगे पहले उनका वो फ्रैक्शन निकाल लेंगे। फ्रैक्शन क्यों निकाल रहे हैं वो आपको मैंने पहले बता दिया है, फिर मैं यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, चेक क्या कर लेते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। ये हो जाएगा हमारा स्पेक्टेटर्स, इस तरीके से आपको लिख लेना है, स्पेक्टेटर्स इन ओपन, ठीक है, कि ओपन में कितने स्पेक्टेटर्स हो जाएंगे, तो देखो टोटल 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि हम टोटल इसको लिखेंगे 7/7, और उसमें से माइनस कर देंगे 2/7, यानी कि टोटल वहाँ पर जो क्राउड है ना वो 7/7 है, 7 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो टोटल जो क्राउड है वो 7 है, उसमें से 2/7 जो है वो क्या है, कवर है, तो बस कितने गए, 5/7, तो जो 5/7 होंगे ना वही क्या होंगे, ओपन में होंगे, इस तरीके से आपको निकालना है। यहाँ पर कई बार टीचर्स 1 लिख करके भी इसको सेपरेट करवाते हैं तो भी आंसर सेम आता है, इन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको 7/7 लिखता हूँ, यानी कि जो भी डिनोमिनेटर में है, यानी कि टोटल जितने पार्ट में भी डिवाइड किया गया ना उतने ही आप न्यूमिनेटर में लिख दो और उसमें से फिर माइनस कर दो, तो हमको पता चल जाएगा कि ओपन में कितने हैं, 5/7 है। इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए आप 15 और 16 वाला वीडियो भी एक बार जरूर देख लेना, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हो आसानी से, ठीक है। तो स्पेक्टेटर्स इन ओपन हमारे पास कितने हैं, 5/7 है, तो यहाँ पर ऑल्सो, यहाँ पर आपको लिखना है ऑल्सो स्पेक्टेटर्स, इसी टाइप से उतार देना है, स्पेक्टेटर्स इन ओपन इक्वल टू 15,000, यानी कि हमको नंबर भी बता दिया गया, ये तो हमने फ्रैक्शन निकाल लिया, उसके अलावा हमें नंबर भी बता दिया गया है कि 15,000 जो स्पेक्टेटर्स हैं वो ओपन में है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स जो है वो उसको एक्स मान लेना है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है यहाँ पर कि लेट द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, ठीक है, मैं एसपी लिख दे रहा हूँ, समझाने स्पेक्टेटर्स था, तो कितना होगा बी एक्स, यानी कि मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स कितने हैं, एक्स हैं, तो एक्स का ही जो 5/7 है ना वो हमको दिया हुआ है 15,000, तो हमको वहाँ से केवल एक्स का वैल्यू निकालना है, तो हमको इसको ऐसे लिखना पड़ता है कि 5/7 जो है एक्स का, यानी कि 5/7 ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है 15,000, ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही दिया गया था, समझ में आ गया, यहीं से हमको केवल एक्स का वैल्यू निकाल लेना है, तो ये हमारा हो जाएगा 5/7 ऑफ की जगह में हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और एक्स लिख लेते हैं इक्वल टू साइड में 15,000। अब एक्स का वैल्यू निकालना है तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ट्रांसफर करने से क्या हो जाएगा, ये हमारा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 7 ऊपर और 5 जो होगा नीचे आ जाएगा, तो x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 7 3 जा कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से ये नीचे तो डिनोमिनेटर में 1 हो गया, उसका खेल खत्म, 7 3 जा 21, और ये 30 जो थे वो उतर जाएंगे, यानी कि टोटल जो स्पेक्टेटर्स है वहाँ पर 21,000 है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल भी सिंपल मेथड से, बाकी मैंने आपको बार बार बता दिया कि जो हमारा
15 और 16 क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से मैंने सॉल्व करना आपको सिखाया है। तो तीनों क्वेश्चन को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, आपको जो डाउट है ना अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक ही टाइप के तीनों क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको अगले वीडियो में ऑब्जेक्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करना सिखा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।